आज एक ऐसी बात करनी है जो हमारी लाइफ में ना हमें कभी कभी बड़ा अनहैप्पी कर देती है, दुखी कर देती है, जब हम हमारे कंपैरिजन किसी और के साथ करते हैं। जब दूसरों के साथ हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम खुद की वैल्यू कम कर देते हैं। हम ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया है, और हर इंसान की कहानी अलग है, हर इंसान का संघर्ष अलग है, हर इंसान का सफर अलग है, तो फिर हर इंसान सेम कैसे हो सकता है? पर हम सब ये जानते हैं कि हमें किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम कर लेते हैं, रिश्तों में कर लेते हैं, स्टेटस से कर लेते हैं। हर इंसान कभी ना कभी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है, जो उसे नहीं करना चाहिए। मेरी मुझे दादी हमेशा कहती थी कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम्हें कम पड़ रहा है या तुम्हारे पास ये नहीं है जो दूसरों के पास है, तुम गिनती करना, एक लिस्ट बनाना, एक हिसाब बनाना कि तुम्हारे पास जितना है उतना कितनों के पास है। तुम्हें हमेशा अपना पलड़ा भारी दिखेगा और तुम कंपेयर नहीं कर पाओगी, और ये कितनी सही बात है। मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया। पहले मुझसे भी बहुत कंपैरिजन हो जाता था कि यार इसकी लाइफ में तो ये है, वाह उसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, वाह उसके पास ये है। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने इसके ऊपर काम किया और मैंने खुद की वैल्यू करना सीखा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कौन है जो मुझे जज करेगा, मैं ही हूं ना जो खुद को जज करती रहती हूँ कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास वो है। स्टॉप डूइंग दिस, ये आपको बहुत सैड कर देता है। इसकी वजह से आपके अंदर स्ट्रेस आता है, आप अनहैप्पी रहते हो, आपको खुद की जिंदगी की वैल्यू नहीं होती, और कहीं ना कहीं ऊपर वाले को आप ना सैड कर देते हो। सो डोंट डू दिस। अपनी लाइफ को कभी किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए, सबकी कहानी अलग है यार। दूसरी चीज जो हम अक्सर गलती करते हैं, हम भावनाओं में बह के अपनी पर्सनल चीजें लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। हर किसी के सामने अपनी जिंदगी की किताब को खुली मत रखिए, स्पेशली आपकी तकलीफें, स्पेशली आपका दर्द, क्योंकि हर किसी के पास आपके दर्द के लिए मरहम नहीं होगा। पर हाँ, हर किसी के पास नमक जरूर है, इतना याद रखिए। आई होप आज का वीडियो आपको कहीं हेल्प हो, कहीं पसंद आया हो, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी अपने को दिखाने जैसा है, या फिर आपको लगता है कि कोई ऐसा है जो ऐसी गलतियां छोटी छोटी करता है, अपनी लाइफ की वैल्यू कम करता है, तो उसे जरूर शेयर कीजिए, शायद उसकी आप हेल्प कर पाएं।